आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लेट आई इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स 2 ऑफ एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इफ एफ पाई बाई 4 इक्वल टू कितना 1, देन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ वाई ऑफ एफ एक्स इज। तो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर फंडामेंटल वाई इक्वल टू कितना है मेरा एफ एक्स, तो मुझे जो मेरा वाई इक्वल टू एफ एक्स आएगा तो मुझे यहाँ पर उसका फंडामेंटल पीरियड बताना होगा कि वो कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा लेट दे रखा है उसको लिख लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू कितना दे रखा है डी एक्स अपॉन, ये दे रखा है यहाँ पर 1 प्लस कितना 3 साइन स्क्वायर ऑफ कितना एक्स, ये मेरा यहाँ पर दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ किससे, कोस स्क्वायर एक्स से। तो डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मिलेगा जब मैं यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स करूँगा तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोस किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा होता है। तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, और इसके नीचे जब मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 प्लस ऑफ कितना 3, यहाँ पे कितना आएगा साइन आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ कितना डी एक्स। तो मैं सेपरेट करके लिख दूंगा इसको, और मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि जो साइन अपॉन कॉस होता है वो कितना होता है, टेन होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1 अपॉन, इसके नीचे लिख दिया 1 के नीचे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस और यहाँ पे कितना आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो कितना मिल गया टेन स्क्वायर ऑफ कितना एक्स, ये मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि जो मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है ये मेरी आइडेंटिटी होती है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आई इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कितना 3 टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा ऑफ डी एक्स, ये मुझे यहाँ से मिल गया। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ कितना डी एक्स। अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेट करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, लेट मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ किसको, tan x को। तो tan x को मैंने t माना तो यहाँ पे कितना आ गया dt टी बाई कितना आ जाएगा dx एक्स इक्वल टू कितना sec स्क्वायर x, तो dt की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगा मुझे sec स्क्वायर x ऑफ कितना dx। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे sec स्क्वायर x टेक्स की जगह कितना लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं कितना dt। तो i इक्वल टू कितना मिलेगा, ये मिलेगा dt टी अपॉन 1 प्लस कितना 4 t स्क्वायर, ये मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, 1 अपॉन 4 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे कितना आएगा डी टी अपॉन कितना, यहाँ पे कितना जाएगा 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 को कितना लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा टी स्क्वायर, ये मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला और जानता हूँ कि मेरा एक फार्मूला क्या होता है, मेरा फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन ए कितना tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कितना c, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो i इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन a, और a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ऑफ 1 अपॉन 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स, तो इसको कितना लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ कितना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कितना x अपॉन a, तो x की वैल्यू कितनी है t, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टी अपॉन 1 अपॉन 2, तो कितना मिल जाएगा 2t, तो यहाँ से मुझे प्लस कितना आ गया c आ गया, ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो i इक्वल टू कितना आ गया, ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल गया 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ कितना कितना 2t प्लस कितना c। अब मैं क्या कर देता हूँ, t की वैल्यू रख देता हूँ, तो t की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ कितना 2
यहाँ पे कितना है टेन एक्स प्लस कितना सी, तो यहाँ पर ये दे रखा है। तो सो तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर ये कर दूंगा कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, ये दे रखी है 1/2 टेन इनवर्स, ये किसके इक्वल दे रखा है 1/2 टेन इनवर्स ऑफ कितना 2 टेन एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये किसके इक्वल दे रखा है देख लेता हूँ, ये दे रखा है 1/2 टेन इनवर्स ऑफ 2fx, तो ये दे रखा है कितना 1/2, तो कितना टेन इनवर्स ऑफ कितना 2 ऑफ कितना fx प्लस कितना c। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो कंपेयर करने पे जो मुझे fx की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, fx इक्वल टू यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कितना 10x, ये कितना मिल गया 10x मुझे यहाँ से मिल गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कितना कह सकता हूँ, इसको मैं y इक्वल टू कितना कह सकता हूँ 10x कह सकता हूँ। और मेरी कंडीशन कितनी दे रखी है कि मेरी f पाई बाय 4 पे जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है। तो मैं यहाँ से कह भी सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर f पाई बाय क्या करूँ 4 पुट करूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 कितना पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी मिलेगी 1 ही मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स वो कितना है मेरा यहाँ पर कितना है 10x है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस 10x का ग्राफ बना लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 10x का ग्राफ देखूँ तो मेरा 10x का ग्राफ कुछ किस तरीके से जाता है, कुछ इस तरीके से जाएगा देख लेता हूँ यहाँ से। तो जो मेरा 10x का ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे कितना आता है पाई, तो पाई से कुछ किस तरीके से जाएगा, कुछ यूँ जाएगा। और यहाँ पे कितना जाता है, यहाँ पे 10 पाई बाय 2 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इनफाइनाइट हो जाती है। और यहाँ पे 10 पाई पे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फिर 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट हो गई। तो यहाँ पे जो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा तो वो कौन सा होगा, पाई होगा। तो मैं यहाँ पे क्या क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंडामेंटल, तो यहाँ पे कितना जाएगा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ 10x इज कितना पाई। तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो चलिए देख लेते हैं उसके अंदर मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।